देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गांव हरडोली में बदमाशों की ओर से हथियारों के बल पर दो चौकीदारों को बंधक बनाकर डकैती करने के मामले में स्पेशल सेल की टीम ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही अन्य चार आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। सेल के इंचार्ज राजेश राणा ने बताया कि उनकी टीम के एएसआई कृष्ण राजू राणा, सुरेंद्र आजाद, सुरेंद्र विपिन की टीम को सूचना मिली थी कि दो युवक शिव कॉलोनी के पास वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। टीम ने मौके पर जाकर दोनों युवकों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान लाजपत नगर निवासी रवि उर्फ नन्नू और गुलाब नगर कैंप निवासी जोगिंदर उर्फ जोगा के रूप में हुई। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों से हडोली फैक्ट्री में भी डकैती के मामले का खुलासा हुआ है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जोली की रिपोर्ट। करीब ढाई माह पहले हडोली गांव थाना छसरौली में पड़ता है, वहाँ एक फैक्ट्री वैष्णो प्रोडक्ट प्लाईवुड के नाम से है जो काफी समय से बंद है। उसमें रात के समय छह आरोपी जिनमें जोगिंदर उर्फ जोगा, रवि उर्फ नन्नू व उसके चार साथियों ने फैक्ट्री में पिछली दीवार से घुसकर दोनों चौकीदारों को हथियार की नोक पर बंधक बनाकर उस फैक्ट्री में डकैती डाली थी, जिससे ट्रांसफार्म की तांबे की तार वगैरह चोरी करके ले गए थे। जो दो आरोपी जोगिंदर उर्फ जोगा को जम्मू कॉलोनी से, रवि उर्फ नन्नू को शिवनगर से गिरफ्तार कर लिया है। बाकी चार आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बताया। ये आरोपी ने जो बतलाया जोगिंदर सिंह उर्फ जोगा ने, वही वो दिन के समय दो दिन पहले उसकी रेकी की थी। और इसके अलावा जोगिंदर सिंह ने पेवा में भी इसी तरह की वारदात कर रखी है। और ये पहले दिन में रेकी करते, फिर रात को उस वारदात को अंजाम देते। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।